मैं अंजना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी डिपार्टमेंट, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। मेरा आज का टॉपिक है पेरेंटल केयर इन फिशेस। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज पेरेंटल केयर या पेरेंटल केयर क्या होता है? यह एक प्रकार का बिहेवियर पैटर्न है जिसमें पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट और फीड कराने के लिए टाइम और एनर्जी लगाता है। पेरेंटल केयर के तहत प्राणी या जीव जंतु अपनी ऊर्जा या एनर्जी और समय खर्च करते हैं, जिसके बदले में उन्हें उनके ऑफस्प्रिंग की बढ़ती हुई फिटनेस प्राप्त होती है। इवोल्यूशन ऑफ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर इसलिए किया जाता है ताकि उनके ऑफ स्प्रिंग का बेहतर परफॉर्मेंस या नस्ल या क्वालिटी अच्छी हो। पेरेंटल केयर ऐसे जीव जंतु व प्राणी में पाया जाता है जिसमें लिमिटेड या सीमित मात्रा में एग होते हैं, ताकि वह अपनी प्रजाति या नस्ल को पीढ़ी दर पीढ़ी उसको निरंतर बढ़ाते चले जाएं। एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल केयर। नंबर वन, सर्वाइवल। नंबर टू, प्रोटेक्शन। नंबर थ्री, कंट्रीब्यूट टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट एंड क्वालिटी। नंबर फोर, बेटर डेवलपमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल केयर। इस पेरेंटल केयर को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो 77% ऐसी फिशेस होती हैं जो पेरेंटल केयर बिल्कुल भी नहीं करती हैं, लेकिन 17% कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो सिर्फ एग की केयर करती हैं, 6% ऐसी फिशेस होती हैं जो ऑफस्प्रिंग, बच्चे तथा एग दोनों की ही केयर करती हैं। टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर का टाइप जो रहता है वह उसकी कौन उसकी केयर करता है या उसके सेक्स पर डिपेंड करता है। नंबर वन, मैटरनल केयर। ऑफस्प्रिंग व एग की जब केयर मैटरनल माँ के द्वारा की जाती है तो उसे मैटरनल केयर कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग और एग की केयर जब पैटर्नल या पिता के द्वारा की जाती है तो उसे पैटर्नल केयर कहा जाता है। नंबर थ्री, बाई पेरेंटल केयर। जब ऑफस्प्रिंग और एग की केयर मदर एंड फादर दोनों के द्वारा की जाती है या मेल और फीमेल दोनों के द्वारा की जाती है तो उसे बाई पेरेंटल केयर कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स पेरेंटल केयर। नंबर वन, यंग वन के लिए सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट में काम आता है। नंबर थ्री, मेन कॉस्ट। नंबर वन, पेरेंट्स की सर्वाइवल रेट कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। नंबर टू, दूसरे प्रजनन करने में देर हो जाती है। नंबर थ्री, आगे की पीढ़ी को खतरा बढ़ता है। पैटर्न्स एंड डाइवर्सिटी। पेरेंटल केयर कैसे होता है? नंबर वन, डिपोजिशन, अंडे को सुरक्षित रखना, सुरक्षित प्लेस में रखना। नंबर टू, सेल्फ मेड नेस्ट, स्वयं से जब फिश घोंसला बनाती है और उसमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखती या एग को सुरक्षित रखती है। नंबर थ्री, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो अपने ही शरीर में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके सुरक्षित रखती हैं। नंबर फोर, विवीपैराइटी, अपने ही यूट्रस में अपने बच्चे या यंग वंस को ग्रो कराती हैं, उसे विवीपैराइटी कहते हैं। बच्चे को स्वयं से तैरते हुए उसके इर्द गिर्द रहकर उसकी केयर करना या उसको सुरक्षा प्रदान करना। डिपोजिशन ऑफ एग सूटेबल प्लेसेस। नंबर वन, चिपचिपे पदार्थ पर डालना, जेली जैसे चिपचिपे पदार्थ पर एग ले करना। नंबर टू, पानी वाले पौधे पर फैलाना, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो पानी वाले पौधे के ऊपर अपने एग को डालती हैं। नंबर थ्री, गड्ढा बनाकर गड्ढे में डालना, कुछ फिशेस गड्ढे में अपने एग ले करती हैं। नंबर फोर, डेड शेल के ऊपर अपने एग को ले करना। डिपोजिशन ऑफ
एग इन स्टिकी कवरिंग। काप्स अपने अंडों को ऐसे स्टिकी या जेली जैसे पदार्थ पर छोड़ती हैं ताकि वे आपस में एक दूसरे से चिपक जाए या जेली से चिपका देती हैं। नंबर 2, येलो पर्च। ये फिश अपने अंडों को रस्सी या रोप के समान स्ट्रक्चर बनाकर उसके ऊपर अपने एग को चिपका देती हैं ताकि वह वाटर में फ्लोट होते रहें। पिक्स नामक जो फिश होती है और कार्प्स नामक जो फिश होती है वह एक्वेटिक प्लांट के ऊपर एग लेकर के एक्वेटिक प्लांट के ऊपर डिपॉजिट करती हैं जहां वह अटैच्ड रहते हैं। एग लेट इन पिट्स। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो एग ले करने के पहले गड्ढा को खोदती हैं और उसके अंदर जाकर एग ले करके अपने एग को प्रोटेक्ट करती हैं। इसका एग्जाम्पल है सैंड गोभी। गड्ढे में जब फीमेल जाती है तो उसे कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, तब मेल उसकी हेल्प करता है। एग्स स्कैटर्ड ऑन डेड शेल्स ऑफ बाइवॉल्व्स। कुछ फिशेस डेड शेल या बाइवॉल्व्स मसल्स पर अपने एग ले करती हैं, तभी मेल अपना स्पर्म उस एग के ऊपर डालकर उन एग को फर्टिलाइज करता है। थैंक यू।